इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों में टेस्ट सीरीज के लिए भारत नई टीम हो चुका है ऐलान। 7 मई वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के दौरान जैसे कि दोस्तों टीम का चयन किया गया है। कुल टीम 20 खिलाड़ियों की जगह बना ली गई है। हालांकि भारतीय टीम में वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में कामयाबी नहीं मिल पाई तो 8 विकेट से हार कर सामना करना पड़ा। अब भारत को 4 अगस्त को 5 मैचों को टेस्ट सीरीज खेलनी होगी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के बड़े बदलाव हुए हैं। दरअसल ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल चोट के चलते इंग्लैंड दौरे पर बाहर हो गए हैं। वहीं ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी चोट के चलते सीरीज से बाहर हो चुके हैं। स्टेट बॉय खिलाड़ी के रूप में तेज गेंदबाज आविश खान भी चोट हैं। इसके साथ ही इंग्लैंड के दौरे पर बाहर 3 खिलाड़ियों की जगह भारतीय टीम को जोड़ दिया गया है। यहीं युवा ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शाह और अभिमन्यु ईश्वरन को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों में टेस्ट सीरीज के लिए जोड़ा गया है। यही नहीं, माध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी टीम के साथ जोड़ लिया गया है। कुल टीम 21 खिलाड़ियों को मौका मिल गया है। इंग्लैंड और भारत के बीच 5 टेस्ट मैच में किए गए सीरीज का पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम के 4 और 8 अगस्त के बीच होगी। वही सीरीज का दूसरा टेस्ट लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में 12 से 16 अगस्त के बीच खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच लीड्स में खेला जाएगा।